नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने इस YouTube चैनल पे। मैं इस सेशन को लाइव सेशन करने वाला था, बट कुछ प्रॉब्लम के कारण इसमें लाइव नहीं हो पाया। बट मैं आपके जितने भी सारे टाइपिंग रिलेटेड क्यूरियस होते हैं, जो कि आप पूछते रहते हो, उन सभी को मैं यहाँ पर बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है, आपके जितने भी सारे टाइपिंग से रिलेटेड सवाल होते हैं, वो सभी के सभी यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला आपका सवाल ये होता है हमेशा कि आपके रीजन में कौन सा टाइपिंग कीबोर्ड दिया जाता है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग मैंने पार्टिकुलरली एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पर आप जाइए, उस वीडियो को देखिए और वहाँ पर से आपको टोटल क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके एग्ज़ाम में, आपके सेंटर पे, आपके जोन में कौन सा कीबोर्ड आता है। दूसरा सवाल लोग ये पूछते हैं कि टाइपिंग के लिए हम कौन से, कहाँ से मटेरियल को सर्च करके टाइप करें। तो मेरा एक सिंपल सा एक चीज़ होता है, या तो फिर आप अनुपम वाली बुक ले लो, या तो फिर आपके पास पैरामाउंट की भी एक बुक आती है, वो भी आप कर सकते हो। नहीं तो फिर सबसे ज़्यादा बेस्ट मेरे लिए, मैं ये बात बताता हूँ कि आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में आप जाइए और वहाँ से उसे टाइप कीजिए। अब यहाँ पर आपके मन में यह भी प्रश्न उठ सकता है कि वहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो कि है, मैं आपको एक और इसका बेनिफिट बताता हूँ कि न्यूज़पेपर से करने से और क्या बेनिफिट हो सकती है। जब भी आप न्यूज़पेपर से टाइप करते हो, तो जो इतना छोटा छोटा लिखा हुआ होता है कि जैसे ही आपको एग्ज़ाम में आप जाते हो, तो वो ऐसा फोकस बन जाता है न्यूज़पेपर के ऊपर कि आपका लाइन मिस होने का चांसेस बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, और इसी कारण मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोलता हूँ कि मैंने जो 3 बार मेरे पास जो टाइपिंग का एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ पर एक बार भी मेरे साथ लाइन मिस की कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है। और अगर आपके पास लाइन मिस नहीं होता है, तो आपके पास 100% चांसेस बन जाते हैं कि आप एग्ज़ाम में पास कर जाओगे, बशर्ते कि आप कम से कम एरर करके आओ। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है न्यूज़पेपर से टाइपिंग करने का। ठीक, अब हम लोगों ने दो चीज़ के बारे में जान गया, कौन सा कीबोर्ड से करना है। ठीक है, दूसरा ये भी आपने जान, और कौन से कीबोर्ड को किससे करना आपके घर में, अगर आप बोलोगे। ठीक है, अगर आप ये चीज़ पूछना चाहते हो, तो इसके बारे में आपको एक बात बता दूं, किसी भी एक पार्टिकुलर कीबोर्ड का आप ले लीजिए, उस पर आपका स्पीड अगर 40 के आसपास या 35 के आसपास भी अगर आ जाता है, अगर आपके सामने दूसरा कोई कीबोर्ड दे दिया जाता है, तो मुश्किल से 2-3, मतलब मैक्सिमम 5 वर्ड्स पर मिनट आपका फ्लैक्चुएट कर सकता है, यानी कि ऊपर या तो फिर कम। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है कि आप अपने टाइपिंग का स्पीड को 40 करके जाइए, आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं तो ये भी चीज़ यहाँ तक भाई मैंने लोगों को देख रखा है कि 35 KV स्पीड वाले लोग पास कर जाते हैं, 35 से कम वाले लोग भी पास कर जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रैक्टिस कैसे करें। अब बात आती है कि जब हम टाइप कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर 5 स्टार्टिंग के पैरा में, ठीक है, मतलब पैरा चेंज करते वक्त या स्टार्टिंग के पैरा में आपको 5 स्पेस दें या तो फिर एक टैब दें। मैं सिंपल से एक बात कहूँगा कि आप टैब दीजिए। ठीक है, टैब दीजिए, 5 स्पेस देने के चक्कर में आप मत पड़ो। ठीक, उसके बाद आप सभी ये भी चीज़ प्रश्न मैंने देख रखा है कमेंट सेक्शन में बहुत सारे वीडियो में, कि जैसे ही फुल स्टॉप आता है, ठीक है, जैसे ही फुल स्टॉप आता है, वैसे ही आपका पैराग्राफ चेंज करना होता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पर आपका पैरा चेंज करना है, वहीं पर आप पैराग्राफ चेंज करोगे। एक और चीज़ मैंने देख रखा है कि जैसे कि लिखा हुआ था राम इज़ ए बॉय, ठीक है, एंड, और उसके बाद आपका जो पैसेज जो दिया हुआ होता है, वहीं पर आपका दूसरा लाइन में चला जाता है, तो क्या हमें उसके बाद भी इंटर प्रेस करना होता है? बिल्कुल नहीं, वो एक रेगुलर सेंटेंस होती है, उसको आपको रेगुलरली टाइप करते जाना है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्यूरी पे मैं चलता हूँ, क्या जब हम 2 वर्ड लिखते हैं तो कितने स्पेस देना होता है? ठीक है, 2 वर्ड के बीच में सिंगल स्पेस देना होता है। ओके, फुल स्टॉप के बाद कितने स्पेस को रिफ़र करें, मतलब कितने स्पेस दें? मैं सिंगल स्पेस ही देता हूँ, और मैं आपको ये भी सजेस्ट करता हूँ कि आप सिंगल स्पेस ही दीजिए। ठीक है,
और भी अगर आपको कुछ क्यूरियस अगर हो, अगर आपके मन में कुछ ऐसा भी कुछ क्यूरियस हो जिसके कि मैंने रिप्लाई नहीं दिया हुआ होगा, तो आप बेशक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के नीचे आप पोस्ट कर सकते हो, वहाँ पर मैं उस कमेंट को देख करके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। SSC CHSL 2017 के टाइपिंग को देखते हुए आपके मन में एक और भी सवाल जो कि जनरली एक उत्पन्न होते रहता है, वो ये है कि अगर पैसेज में 1750 से ज़्यादा की डिप्रेशन दिए हुए रहें तो हमें कितने कैरेक्टर्स करने चाहिए? क्या हमें 1750 करना चाहिए, क्या हमें 1750 से ज़्यादा करना चाहिए, या तो फिर जितने दिए हुए हैं उतने पूरे के पूरे टाइप करना चाहिए? मैं एक बात, मैंने बहुत पहले भी वीडियो बनाया था, ठीक है, अगर आपने उस वीडियो में देखा होगा तो मैंने क्लियरली एक बात बोला था, 1750 पे ही आपका कैलकुलेट होता है। एंड एक और बात मैं यहाँ पे मैं बोलूँगा, अगर आपको इस चीज़ का बिलीफ नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और वीडियो का लिंक दे रखा है मैंने, ठीक है, कीबोर्ड वाले वीडियो के जस्ट नीचे उस वीडियो का मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप जाइए एंड वहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में चेक करना है। कमेंट सेक्शन में आप साफ साफ देखोगे कि किन्हीं के भी आपके कितने भी कैरेक्टर्स आए हुए होंगे, किसी ने भी, बहुत ही कम लोगों ने पूरे के पूरे टाइप किया होगा, और ये कोई ज़रूरी नहीं था कि पूरा का पूरा आपको टाइप करना ही था, ठीक है। बहुत सारे कमेंट आपको वहाँ पे ऐसे भी देखेंगे जहाँ पर कि 1750 से कम वर्ड्स, 1750 से कम कैरेक्टर्स टाइप करने के बाद भी लोग पास हुए हैं, ठीक है ना। एंड इसलिए मैं बोलता हूँ कि 1750 ही तक कीजिए, मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि 1750 तक, फर्स्ट 1750 तक सही सही करने का कोशिश करें, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा SSC CHSL 2018 के टाइपिंग के समय, क्योंकि टाइपिंग के समय पे आपका दिमाग इतना, मतलब कि इतने जगह पे डाइवर्ट होता है, मतलब आप इतने सारे वीडियोस को देखते हो कि आपका दिमाग जो कि है एक स्थिर नहीं रहता है, ठीक है ना। एंड फिर बात आती है कि टाइपिंग परसेंटेज एरर कैसे चेक करते हैं हम, उसके लिए भी मैंने एक पार्टिकुलर एक वीडियो बना रखा था और उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहाँ पर से जाइए और उस पूरे के पूरे डिटेल को चेक कीजिए, वहाँ पर से आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी और आप खुद से भी टाइपिंग परसेंटेज एरर निकालने को सीख जाओगे। एक और आपका क्योरी आता है कि हम किस तरीके से ये चेक करेंगे कि हमने कितना कैरेक्टर्स टाइप कर रखा है। तो आप जैसे ही जब कॉपी पेस्ट करोगे नोटपैड में से उठा कर एम एस वर्ड में, तो आपका सबसे नीचे में लेफ्ट कॉलम में आपको दिख जाएगा वर्ड काउंट में, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख लोगे तो कैरेक्ट विथ स्पेस एंड विथआउट स्पेस, तो विथ स्पेस आपको देखना है जितना लिखा हुआ होगा वही आपका है, ठीक है। एक और चीज़ लोग पूछते हैं कि 1750 कैरेक्टर्स जो कि टाइप करने होते हैं, तो ये 1750 में क्या स्पेस भी काउंट होता है या नहीं? तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि इसका रिप्लाई ये है कि आपका कैरेक्टर्स, आपका स्पेस भी काउंट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का अच्छे से ख्याल रखें कि आपको स्पेस के साथ वहाँ पे काउंट होता है, तभी जाके वो 1750 होता है, ठीक है। तो इसके लिए डरने की कोई दिक्कत नहीं है। अब जितने भी सारे मेरे पास क्यूरिस थे, मैंने उन सब का रिप्लाई देने का कोशिश किया है, पर कुछ ना कुछ एक क्यूरिस बच गई होगी। तो आप उन सभी क्यूरिस को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पोस्ट करें, ताकि मैं वहाँ पर से आपके कमेंट्स को उठा करके उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो इसके साथ ही एक और बात कि बहुत सारे लोग टच टाइपिंग सीख रखे होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने, अब अपने टोटल फिंगर से आप टाइपिंग करते हो, बट स्पीड इंक्रीज नहीं हो पाती। स्पीड इंक्रीज बस और बस आपके प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करती है। अभी भी अगर आपका स्पीड इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक, मतलब 35 आपने क्रॉस नहीं किया है, आप डेली 1 से 1.5 घंटे टाइपिंग को डिफॉल्ट कीजिए, आप आसानी से सीख जाओगे, ठीक है, सॉरी आपका आसानी से स्पीड आ जाएगा। साथ ही साथ अगर किन्हीं को टाइपिंग अगर सीखनी है, और वो मैं हमेशा ही एक बात बोलता हूँ कि टाइपिंग अपने घर पे ही सीखिए, और इसके लिए मैंने बशर्ते क्लासेस भी दे रखा है, तो
तो उस क्लासेस का आप बेनिफिट उठाइए, वहाँ से देखिए, वहाँ से सीखिए। अब फालतू के खर्च ना करें टाइपिंग क्लास में जा करके, और फालतू का अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। इसके लिए मैंने पूरे के पूरे एक टाइपिंग क्लास इंग्लिश करके एक प्लेलिस्ट बना रखा है, आप वहाँ पर जा करके सीख सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी आपका कुछ भी और भी कम डाउट कुछ होगा तो आप शेयर कर सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलता हूँ मैं, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टाटा एंड बाय।